तुम्हारी कहानी है गुलामी या क्या है अमर, मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर बार हिसाब चाहिए होता है। हिसाब रखना कोई गलत चीज है क्या नीता? मैं भी अपनी हर चीज का हिसाब रखता हूँ, तो उसमें भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हिसाब रखा करो। पर मैं कभी अपने पिता को भी हिसाब नहीं दिया, तो तुम्हें क्यों दूंगी? मेरे पापा ने तो कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा। मैंने तो जब जो चाहा वो खरीदा है, किसी ने मुझे हिसाब नहीं मांगा उसका। नीता तुम जानती हो मेरे तनख्वाह कम है, उसी से मुझे इस पूरे परिवार का पालन करना होता है। ऊपर से जो शादी का कर्जा चढ़ा है मैं वह भी चुका रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते हो तो शादी क्यों ही की थी? एक एक पाई का हिसाब तुम्हें देना पड़ता है। अब की बार नीता बुरा मानते हुए बोली, लेकिन इतना तो समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अमर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम जैसा नकारा इंसान से शादी क्यों हो गई? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे कोई हिसाब नहीं देना, बस यह कह दिया मैंने, हर बात में जब देखो सोच समझ के खर्चे करो। मेरी सारी सहेलियां दिल खोल करके खर्चा करती हैं, पर मैं हूँ कि बोलते बोलते नीता बिल्कुल चुप हो गई और कमरे का दरवाजा जोर से पटकते हुए बाहर चली गई। सिर्फ नीता को जाते हुए देखता रह गया। उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, पर उसे पता था कि नीता अब अपने पापा को फोन जरूर करेगी। नीता और अमर की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी, दोनों की अरेंज मैरिज थी। दरअसल अमर के पिताजी का देहांत 4 साल पहले ही हो चुका था। अमर घर का इकलौता कमाऊ बेटा है। अमर की माँ कौशल्या जी घर संभालती है। वहीं अमर ने छोटी 2 बहनें हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो सारी जिम्मेदारियां अमर की ही है। नीता के पापा ने खुद नीता के लिए अमर को पसंद किया था। शादी से पहले अमर अपनी स्थिति से नीता को अवगत कर चुका था, साथ ही यह भी बता चुका था कि उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। अब नीता को कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब वह इन जिम्मेदारियों से ऊब चुकी थी। अमर की आदत थी कि वह हर महीने का हिसाब किताब पूरा जोड़ कर करता रहता था। पहले वह घर खर्च अपनी माँ कौशल्या जी को देता था, लेकिन जब से अमर और नीता की शादी हुई है तब से कौशल्या जी महीने का खर्चा नीता के हाथों में दिला देती थी, और नीता उसे तो अगर कोई चीज पसंद आ गया तो वह उसे जरूर लेती, चाहे 4 महीने का बजट बिगड़ जाए। पिछले 4 महीने से यही सब हो रहा था, बजट बिगड़ जो अलग, साथ ही साथ 2 महीने का बिजली और पानी का बिल भी बकाया हो गया। आज अमर हिसाब मांग रहा था तो उस बात पर नीता अमर से लड़ पड़ी। अब अमर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, पर पास के कमरे में कौशल्या जी को दोनों की बहस अच्छी से सुनाई दे रही थी। कहे क्या, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अमर के पास उसके ससुर जी का आया। वह समझ चुका था कि नीता ने अपने पापा को बहस के बारे में सब कुछ बता दिया है। यह नीता की आदत थी कि जब भी वह अमर से बहस करती थी तो वह अपने पापा को सब कुछ बता दिया करती थी, और उसके बाद उसके पापा अमर को ही 2 बातें सुना दिया करते थे, बिन यहाँ जाने कि गलती किसकी है। नीता के पापा ने अमर से बड़े
रूखे स्वर में बातें की और साथ ही साथ भी कह दिया कि अभी इसी वक्त अमर के घर आ रहे हैं नीता को लेने के लिए। अमर कुछ कह पाता इससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद नीता कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। हर बार अमर उसे रोक लेता था पर इस बार अमर चुप ही रहा। थोड़ी देर बाद उसके ससुर परवीन जी आ गए। घर के अंदर बैठ करके बातें करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई और घर के बाहर से ही उन्होंने अमर और कौशल्या जी को खूब खरी कोटी सुनाई। इतनी जोर जोर से बोले रहे थे कि आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए और वो नीता को अपने साथ ही ले गए। आज पहली बार अमर ने उसे पिता के जाने के बाद अपनी माँ को इस तरह रोते देखा था। उसे नीता के इस कदम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आसपास पड़ोस के लोगों को कानाफूसी करने का जो मौका मिल गया था उसे अपने घर वालों की हिम्मत टूटते देख करके उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फिर घर खर्च और हिसाब को लेकर के बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, जबकि वह इस बारे में सगाई से पहले ही नीता को और उसके परिवार को खुलकर बोल चुका था। फिर उसकी गलती कहां थी। इधर घर पर अचानक नीता को अपने पापा के साथ देखकर नीता की मम्मी विजया जी, भाई अंकित और भाभी सभी हैरान रह गए। जब उन्होंने इस बारे में नीता से पूछा चाहा तो परवीन जी ने उन्हें रोक दिया। नीता अभी परेशान है, उससे कुछ मत पूछो, नीता को अंदर कमरे में जाकर आराम करने दो। यह सुन करके किसी ने भी कुछ नहीं कहा और बेटी को इस तरह घर पर आया हुआ देखकर विजया जी का दिल घबरा रहा था। फिर वो भी इन बाप बेटी के प्यार को बहुत अच्छे से जानती थी। बचपन से देखती आई है कि किस तरह नीता की हर जिद को परवीन जी ने पूरा किया है। इस कारण नीता कितनी जिद्दी हो गई है इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं है। उन्होंने परवीन जी से ही पूछा क्या बात है, नीता इस तरह कैसे अपने ससुराल से आ गए। अरे किस्मत फूट गई हमारी बच्ची के जो इस भिखारियों के घर शादी कर दी, जहाँ एक एक पाई का हिसाब तक उसे देना पड़ता है। एक एक पैसे खर्चे करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है। परवीन जी ने कहा मैं कुछ समझी नहीं, मैं भी आज तक अपनी बेटी से हिसाब नहीं मांगा तो वो अमर कौन होता है, मेरी बेटी से हिसाब मांगने वाला। नीता अब उस घर में नहीं जाएगी। विजया जी को समझते देर नहीं लगी कि बात क्या होगी। उन्होंने बात को बेवजह ना बढ़ाए और चुपचाप नीता के पास कमरे में आ गए। अपनी मम्मी को अपने पास देख करके नीता रोने लगी। मम्मी यही भी कोई जिंदगी है बताओ, एक एक पैसे सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है और तो और उसका भी हिसाब दो, जैसे मैं उनकी गुलाम हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर विजया जी बाहर आ गई। वो जानती थी कि गलती नीता की है पर अपनी बेटी को समझाए तो कैसे। यह बात बेटी को ही समझाने की नहीं थी, उसके पिता को भी यह बात समझने में आनी चाहिए। वो ऐसा कोई उपाय करना चाहती थी जिससे दोनों को ही समझ में आ जाए। दूसरे दिन जब नाश्ता करने रहे थे तो सुभी अपना सामान लेकर कमरे के बाहर आई। उसे इस तरह सामान के साथ देख करके परवीन जी ने पूछा ये क्या है बहू, तुम कहाँ जा रही हो। पापा जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, उनकी बात सुन करके सुभी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों,
अचानक मायके क्यों जाना है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ तुम्हारी नंद परेशान है और तुम्हें मायके जाने की लगी है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपना सामान अंदर रखो। अचानक अंकित बीच में ही बोल पड़ा, नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी, आखिर आज मेरी नंद ने मेरा आँख खोल दिया। मेरे साथ इतना गलत हो रहा था और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, सुबह ने जवाब दिया। और हैरान होने की बारी अब मीका की थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाभी? आप कहना क्या चाहती हो? यही कि किसी भी पत्नी को हिसाब मांगने का अधिकार उसके पति को नहीं होता है। अगर वो पत्नी से हिसाब मांगता है, इसका मतलब है कि वो पत्नी को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी नंद को ताने मारने तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकित चिल्लाते हुए बोला, क्यों, इसमें क्या गलत है? आपके घर की बेटी से उसके पति ने हिसाब मांगा तो गलत है, लेकिन बहू से और पत्नी से हिसाब मांगते हो वो सही है। सुभी बराबर अंकित को जवाब दिए जा रही थी, कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? तुम समझदार होकर ऐसी बातें करोगे? मुझे तो उसे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हर इंसान को अपने हिसाब से घर चलाना होता है, इसके लिए वह अपने घर के अनुसार बजट बना कर चलता है, तो इसमें हिसाब किताब तो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? हर इंसान अपनी इनकम के हिसाब से ही घर चलाता है। हिसाब किताब रखना तो अच्छी आदत होती है। अगर अंकित तुमसे हिसाब किताब पूछ लेता है तो गलत क्या है? अलग से हाथ खर्च के पैसे देता तो है। देखो तुम्हारी मम्मी जी तो मुझे आज तक हिसाब देती हैं। अंकित और सुभी को लड़ते देखकर परवीन जी बीच में बोले, अच्छा तो फिर अमर ने क्या गलत किया? हाथ खर्चे के पैसे तो वो भी आपकी बेटी को देता है, पर जो घर का बजट है उसका तो हिसाब किताब पूछेगा ही ना। अचानक विजया जी ने कहा, परवीन जी को भी समझ में आ रहा था कि गलती अमर की नहीं थी बल्कि मीका की थी, इसलिए उनको जवाब देते नहीं बनता तो बिल्कुल चुप हो गए। बेटी अगर घर गृहस्थी में गलती कर रही है तो उसे समझाने की जगह उसे घर लेकर आ गए आप, क्या यह गलत नहीं था? आप अपनी बेटी को समझा सकते थे कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, अगर घर का बजट नहीं संभाल पा रही हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर उसका निवारण करो। तुम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी संभाल सकती हो और हिसाब किताब रखना कोई गलत बात नहीं है। अमर ने सगाई से पहले ही अपने घर की स्थिति आप लोगों के सामने खुलकर बता दी थी, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और तो और उसके पूरे परिवार को पड़ोसियों के सामने बेइज्जत करके आ गए, कितनी शर्म की बात है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। गलती मेरी ही है मम्मी, मुझे समझना चाहिए था। शादी हो गई है, जिम्मेदारियां आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसे की कीमत अभी तक समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, शायद वो लोग मुझे माफ कर देंगे। नीता ने कहा, रुको बेटा, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ कर आऊँगी, शायद वो लोग मुझे भी माफ कर देंगे। परवीन जी ने कहा, ऐसा कहकर परवीन जी अपने बेटी नीता को लेकर वहाँ से रवाना होने लगे तो देखा अमर और कौशल्या जी वहीं खड़े थे। दोनों को वहाँ देख करके नीता हैरान रह गई, परवीन जी भी हैरान।
से उन लोगों की तरफ देखने लगे तो विजया जी बोले, मैंने ही बुलाया है इन्हें, यो अपनी बेटी की छोटे छोटे गलतियां पर उनका घर तो टूटने नहीं दे सकती थी, इसलिए सुभी की मदद ली। नीता ने अमर और कौशल्या जी से माफी मांगी और खुशी खुशी उनके साथ अपने ससुराल रवाना हो गए। विजया जी खुश थी कि उनकी समझदारी से बेटी का घर टूटने से बच गया।